शैतानवजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ ऑनलाइन जूम क्लास में। आज जो है हम अदसु सानिदात जो है स्टार्ट करेंगे सूरह अनफाल की आयत नंबर 49 तक 58 है आपके पास। स्टार्ट लेते हैं औसुबिल्लाशैतानवजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 49 जो है आपके पास है। इज़ याकुलमुनाफ़िकून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन ग़र्रहा दीनुहुम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। तर्जुमा, और इस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में मर्ज था कि इनको इनके दीन ने मरहूम कर रखा है, और जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता है तो खुदा गालिब और हिकमत वाला है। तर्जुमा, अब इस आयत का जो है खुलासा ये है कि यहाँ पे मुनाफिकीन का जिक्र आया है। मुनाफिकीन से मुराद औस और खजरज के चंद कबीले के चंद अफराद हैं जिनके दिलों में ये बीमारी थी कि मक्का, यानी मक्का के ये वो लोग थे जिन्होंने कलमा इस्लाम तो पढ़ लिया था मगर अभी भी इनके दिलों में जो था शक बाकी था। जब कुफार कुरैश कातिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने लगे तो इन्होंने इनके दीन इस्लाम कहने लगे कि इन्होंने इनके दीन इस्लाम ने जो है एक तरह से क्या किया है, धोखे में डाला हुआ है, और आखिरत में भी सवाब की उम्मीद जो है ये लोग नहीं रखते नहीं है। और ये तमाम लोग जो है बदर में जो थे मारे गए थे, यानी कौन से लोग वो मारे गए थे, यानी काफिर लोग जिनके दिलों में ये जो थी बीमारी थी, मुनाफिक लोग का जिक्र आया है। फिर यहाँ पे आयत नंबर 49 में यतवक्कल अलल्लाहि फइन्नल्लाहा का जिक्र है। मैं यतवक्कल अलल्लाहि, यानी जो अल्लाह पर तवक्कल करे, शायद फरमाए कि जो अल्लाह पर तवक्कल करे और अपना काम उसकी सपोर्ट करे तो इसके फजल व एहसान पर मुतमईन हो तो बेशक अल्लाह ताला इसके मुहाफिज है, क्योंकि अल्लाह ताला गालिब है और इस पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह ताला अज़्वजल हिकमत वाला है और अपने दुश्मनों को अज़ाब में मुब्तला नहीं करता, अपने औलिया को रहमत और सवाब अता फरमाता है। आयत नंबर 50 की तरफ आते हैं। आयत नंबर 50 है आपके पास। वलौ तरा इज़ा तवफ़ल्लज़ीन कफ़रुल मलाइका यज़रिबून वुजूहहुम वअदबारहुम वउज़ूको अज़ाबल हरीक। तर्जुमा, और काश तुम उस वक्त इसकी कैफ़ियत देखो जब इनकी कैफ़ियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं और इनकी मोहनों और पीठों पर कोड़े और हथौड़े मारते हैं और कहते हैं कि अब अजाब आतिश का मज़ा जो है क्या करो, चखो। अब यहाँ पे कुफार के लिए अजाब का जिक्र आया है। इस आयत में अल्लाह ताला ने खातिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया है कि आप इन काफिरों का हाल उस वक्त देखते जब फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करने के वक्त इनके मोहिनों और पीटों पर मार रहे थे और ये कहते जाते कि आप एक खौफनाक मंजर देखिए। बाज़ उलमा के मुताबिक जो है मैदान बदर में जो कुरैशी सरदार मारे गए थे इनके मारने में भी फरिश्तों का हाथ था। बरज़ख़ का अज़ाब का जिक्र भी एक तरह से आया है इसमें कि इस आयत का मतलब ये भी है कि जब कोई काफिर मरता था तो फरिश्ते मौत इसकी रूह कब्ज़ करने के वक्त इनके चेहरे और पुश्त पर जो था मारता था। बाज़ रवायत में है कि आग के कोड़े जो थे इनके हाथ में होते थे जिनसे वो मारने वाले को मारते थे। नेक्स्ट आयत है आपके पास आयत नंबर 51। ज़ालिका बिमा कदमत अईदीकुम वअन्नल्लाह लैसा बिज़लामिन लिलअबीद। और ये इनके आमाल की सज़ा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे, और जान रखो कि खुदा अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। आयत नंबर आपके पास है आयत नंबर 51 का खुलासा ये है कि कहते हैं कि इनके आमाल की जो है सज़ा है, यानी जो तुम लोगों ने जमा किए हुए हैं और अपने हाथों से आगे भेजे हैं, और जान रखो कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कहते हैं जोर नहीं करता। अब यहाँ पे ये कुफार से खिताब किया गया है इस आयत में कि कुफार को खिताब करने के लिए ये इशारा फरमाया है कि ये आज़ाद दुनिया और आखिरत में तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। दुनिया के कारोबार आमतौर पर हाथों ही से वजूद में आते हैं, इसलिए हाथों का जिक्र जो है किया गया है। मतलब ये है कि जब ये अज़ाब तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा है, अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है और अपने बदवजह किसी को भी अज़ाब में जो है मुब्तला नहीं करता। अब नेक्स्ट आयत है आपके पास आयत, यानी नेक्स्ट तीन आयत जो है आपके पास फिरौन से रिलेटेड है, यानी कौम फिरौन से जो है मुतलिक है, ठीक है। आयत नंबर 52 तक 54
जो है इसका खुलासा जो है आपके पास सेम है। पहले से स्टार्ट लेते हैं, कदाबा आले फिरौना वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कफरू बिआयातिल्लाहि फ़ख़ज़ाहुमुल्लाहु बिज़नूबिहिम इन्नल्लाहा क़वीयुन शदीदुल इक़ाब। तर्जुमा, जैसा हाल फिरौनियों का और इनसे पहले लोगों का हुआ वैसा ही उन्होंने उनका हुआ, यानी उन्होंने अल्लाह ताला की आयतों से कुफर किया तो खुदा ने इनके गुनाहों की सज़ा में इनको पकड़ लिया, बेशक खुदा सब ग़ालिब और हिकमत वाला है। अब यहाँ पे इस आयत में फिरौन और आले फिरौन की एक तरह से अस्बाब बयान हुए हैं इन तीन आयत में। अब स्टार्ट वाली आयत में जो है अल्लाह ताला की आयतों की मुनकर, यानी जो शख्स या कौम अल्लाह की आयतों को जुटलाती है और इस पर ईमान नहीं लाती तो वो आखिरकार तबाह और बर्बाद हो जाती है, ठीक है। गुनाहों की ज़्यादती का जिक्र आया है कि फिरौन और आले फिरौन अल्लाह के अहकाम के कुलम खुला जो थे क्या करते थे, खिलाफ वर्जी करते थे, नेकी के बजाय बुराई के काम कर आम करते थे। और जब कौमें फिरौन और फिरौन के वहाँ गुनाह जो थे हद से ज़्यादा बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने पूरी कौम को समंदर में एक तरह से क्या कर दिया था, गर्क कर दिया था, जो आगे आयत में भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ज़ालिका, नेक्स्ट आयत है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लिमा याका मुगीरन नेमत अनआमहा ला कौमिन हत्ता युगीरो मा बिअन्फुसिहिम वअन्नल्लाह समीउन अलीम। तर्जुमा, और ये इसलिए कि जो नेमत खुदा किसी कौम को दिया करता है और वो इस जब तक अपने दिलों की हालत से उसको खुद ना बदल डाले खुदा से नहीं बदला करता, और खुदा सुनता और जानता है। यहाँ पे अब अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला का ये कानून है कि जब वो किसी कौम या शख्स पर अल्लाह की नेमतें नाजिल हो और उसकी वो कदर ना करें और अल्लाह के सामने ना झुके तो अल्लाह ताला ये नेमतें जो है मुसीबतों में जो है उनके लिए क्या कर दी जाती हैं, बदल जाती हैं। आयत नंबर 54, कदाबा आल फिरौन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़बू बिआयात रब्बिहिम, यानी तर्जुमा, जैसा हाल फिरौनियों का और इससे पहले लोगों का हुआ वैसा ही उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को जुटलाया। फ़अहलकना हूँ बिज़नूबिहिम वरग़रकना अला आल फिरौन कुल्ले कानू ज़ालिमीन। तर्जुमा, और हमने उन लोगों को उनके गुनाहों के सबब जो था हटाला कर डाला और फिरौन को क्या कर दिया, डबो दिया। अब इस आयत में कहते हैं यही जिक्र हुआ है कि उन्होंने अपनी परवरदिगार की आयतों को जुटलाया, यानी वो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते थे और गुनाह किया करते थे तो अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों के सबब जो था उनको क्या कर दिया था, समंदर में डबो दिया था, यानी गर्क कर दिया था। अब नेक्स्ट आयत है आपके पास आयत नंबर 55, इन्ना शर्रु दुआबा इंदल्लाहि लज़ीना कफरु फ़हुम ला युमिनून। और जानदारों में सबसे बदतर खुदा के नज़दीक वो लोग हैं जो काफिर हैं सो ईमान नहीं लाते, यानी ये काफिर लोग हैं, यानी जो सुनते भी हैं देखते भी हैं लेकिन फिर भी वो लोग ईमान नहीं लाते। अल्लज़ीना अहदत्ता अहदत मिनहुम सुम्मा ला यन्किज़ूना अहदुहुम फ़ी कुल्ल मरातिन वहुम ला यत्तकून। और जिन लोगों से तुमने सुलह का अहद किया है और फिर अपने हर बार उनके अहद को तोड़ डालते थे और खुदा से नहीं डरते थे। अब ये उन काफिरों का जिक्र है जो सुलह का अहद कर लेते थे लेकिन फिर जो थे अपने अहद को क्या कर देते थे, तोड़ देते थे, यानी अपने अहद की खिलाफ वर्जी कर देते थे और अल्लाह ताला से वो लोग नहीं डरते, ठीक है। फिर आयत नंबर 57 है आपके पास, व इम्मा तसकफनहुम फिल हराब फशर्रत बिहिम मा खलफनहुम लअल्लहुम यज़क्किरूना। आयत नंबर 58 भी साथ में देखें, व इम्मा तखाफन फी मिन कौमि खयानतिन फनबिज अलैहिम अला सवाइन इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल खाइनीन। तर्जुमा, अगर तुम इनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सज़ा दो कि जो लोग इनके पसे पुश्त हैं, यानी इनके पीछे हैं, पुश्त हैं यानी जो इनके पीछे हैं इनको देखकर भाग जाएं। वह इम्मा तखाफन, यानी और कुछ अजब नहीं कि इससे इबरत हासिल हो, अगर तुम किसी कौम को कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो इनका अहद इनकी तरफ जो है क्या कर दो, फेंक दो और बराबर का जवाब दो। कुछ शक नहीं कि खुदा दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। अब इस आयत का से मंजर कुछ इस तरह है कि कुफार में सबसे बड़ी ये खामी थी कि वो अहद शिकनी बार बार करते थे, यानी अहद के खिलाफ वर्जी जो है थे वो बार बार किया करते थे। जब भी किसी कौम से मुआहदा करते या अगर ज़्यादा मुफाद देखते तो इस कौम के दुश्मन कौम से अपना मुआहदा कर लेते। अहद शिकनी जो थी बड़ी ज़्यादी और बहुत बड़ा इख्लाकी जुर्म है
जुर्म जो है शक्ल कुफार के लिए खातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये हिदायत दी कि फर्स्ट ये था कि लड़ाई में पाओ तो इन्हें सख्त सज़ा दो। पहली हिदायत ये दी गई कि लड़ाई में इन्हें गिरफ्तार करने और सख्त सज़ा दे ताकि पीछे आने वालों को ये इबरत हासिल हो और वो अहशनी जो है एक तरह से ना करें। गद्दारी का ख़तरा हो तो मुहायदा ख़त्म कर दो का जिक्र आया है। दूसरी हिदायत ये दी गई कि अगर खातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कौम से गद्दारी का खदशा हो या अंदेशा हो तो इनका मुहायदा जो है इनकी तरफ पलटा दो और इनके बराबर हो जाओ। मतलब ये कि वो मुहायदे के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो खातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके मुहायदा इन पर दे मारे यानी इनका जवाब दे और मुहायदा करने में बराबर हो जाएं। इस आयत में ये वजाहत दी गई है कि मुहायदा ख़त्म करने की इत्तला इन्हें पहले से दे दो क्योंकि अल्लाह ताला खयानत करने वालों को दोस्त नहीं रखता। ये था आज के दर्स का खुलासा अदसुसानी दाल का। नेक्स्ट दर्स तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।